सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है। आज मैं जो सलवार होते हैं उसके पोंचे बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वैसे है तो बहुत सिंपल, पर जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सलवार का बॉटम है, इसी में हम पोंचे लगाएंगे अपने। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है। तो ये हमारा 18 इंच आ रहा है। आप इससे 18 इंच जो आ रहा है इससे एक या दो इंच ज़्यादा ले लें बुकरम। तो हम अब अपना जो बुकरम होता है वो नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, पोंचे के लिए वैसे ऐसा बना हुआ भी मिलता है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो जो आप नॉर्मल जो गलों में पोंचे लगाते हैं उसके भी काट के आप पोंचे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं, हमें ये 20 इंच ले लेते हैं हम। तो ये हमने पोंचा काट लिया है अपना 20 इंच। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसा पोंचा बना हुआ मिलता है ये एक इंच की भी चौड़ाई में मिलता है, डेढ़ की भी मिलता है, और आप उससे भी चौड़ा लेना चाहें दो ढाई की तो उसमें भी चौड़ा मिल जाता है। तो इसको हम कपड़े पे अब सेट करेंगे, तो वो कपड़ा हमें इससे चौड़ाई में भी ज़्यादा लेना है, पर लंबाई हम इतनी ही ले सकते हैं उस कपड़े की, पर हमें चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये कपड़ा काटा हुआ है, इसकी लंबाई भी इतनी ही बराबर, इसके बराबर ही है, पर इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ज़्यादा ली है। तो ये पोंचा हमारा 1.25 इंच का है और ये कपड़ा हमने 3 इंच लिया हुआ है चौड़ाई। तो अब इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। तो हम इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये वाला कपड़ा भी हम जैसे ये वाला फोल्ड किया है उसी तरीके से इसे भी फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से अपना पोंचा तैयार कर लिया है, और ये उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा ही रखना है और हमें ये अपना सलवार का बॉटम लेना है, इसको भी हमें सीधा ही रखना है और इसको भी सीधा ही रखना है, और तकरीबन हम ये इतना इसमें पोंचे में दबाएंगे और जो हमारा ये पोंचा है इसके बिल्कुल किनारी में हम सिलाई अपनी चलाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये दबाना है थोड़ा सा आगे बाहर निकाल के, क्योंकि हमने ये जो पोंचा है अपना एक्स्ट्रा लिया था, तो इतना कम से कम बाहर निकाल के और इतना इसको दबा के सलवार को, और इसके बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई को चलाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सिलाई लगा लोगे तो हमको इस तरीके से ये पलट लेना है, और ये पलट के हम एक सिलाई पहले यहाँ पे लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट करते जाएं सलवार को, ताकि चुन्नट ना पड़ पाए कोई भी। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने लगा ली है यहाँ पे। अब हमें एक सिलाई यहाँ पे लगानी है, जो ये कपड़ा हमें दिख रहा है पोंचे का नीचे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, कईयों की ये भी शिकायत होती है कि उनका पोंचे में जो है चुन्नटें आ जाती हैं छोटी छोटी, सही से बन नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी सिलाई लगाएं तो इसको अच्छे से सेट करते जाएं। एक बार हमारी ये वाली सिलाई लग गई तो हमें भरने में आसानी हो जाती है। तो मेरे को ये पोंचा दिख रहा है, इस सलवार से मेरे को ये पोंचा दिख रहा है कि मेरा ये इधर है। अगर आपको ऐसे ना भी दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, ये सिलाई आपको ये उल्टी साइड से इस तरीके से यहाँ पे लगानी है, इस तरीके से पूरी लंबाई में लगानी है।
तो चलिए लगा लेते हैं इस पर सिलाई और इसको पूरा इस तरीके से सेट करते जाएं। तो फ्रेंड्स वैसे हैं तो बहुत ही इजी पोंचे बनाने के लिए, पर सबके लिए नहीं होते हैं। मतलब जो बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है सिलना, कि हम भी कुछ सील के घर में पहने, क्योंकि आजकल सिलाई बहुत महंगी हो रही है, तो मैं ये उन बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने ऊपर नीचे सिलाई लगा ली है। अब आप चाहे तो डिज़ाइन भी भर सकते हैं इसमें, या आप चाहे तो आजकल सीधी लाइन चल रही है तो हम सीधी ही लाइन भरेंगे, डिज़ाइन पहले चलते थे आजकल नहीं चलते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो बिल्कुल सीधी लगे, और तो ये जो दो सिलाई है हमारी बिल्कुल इसके सेंटर में हम पहले एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक सेंटर में लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। अब ये वाली और ये वाली, अब इनके एक सेंटर में लगाएंगे और इसके इधर सेंटर में लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, चार खाने बन चुके हैं हमारे। और अब एक एक सिल, चाहे तो आप इतना खुला भी छोड़ सकते हैं इसको, या आपको और भरना है तो बिल्कुल इनके जो चार खाने इनके बिल्कुल एक एक सिलाई और सेंटर में लगा लें, तो चार सिलाई हमारी लग जाएंगी। तो मैं आपको रेडी करके फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने इस तरीके से इसमें भर लिए हैं, और जो हमने अब एक्स्ट्रा बुकरम जो लिया था वो आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम शेप दे देंगे उसको भी। तो फ्रेंड्स देखिए ये पोंचा, दोनों पोंचे हमने तैयार कर लिए हैं, एक ही तरीके से बनेंगे दोनों पोंचे। तो फ्रेंड्स वैसे है तो बहुत ही सिंपल वीडियो और इजी भी है बहुत। अगर आपको पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो लाइक का बटन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।